इज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन न्यू डेली सो यहाँ पर बात करेंगे क्यों एयर पोल्यूशन इतना खराब है क्यों इतना एक्सट्रीम है न्यू डेली में क्या क्या है इसके कल्परे क्या क्या रीजनस हैं इसके एज वेल एज क्या क्या मेशर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड गवर्नमेंट ऑफ डेली ने टू मिटिगे दैट एयर पोल्यूशन दैटीन इन आवर फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी सो यहाँ पर जो साइंटिफिक डिस्कवरी है इट इज़ रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी सो वी रेफरिंग टू ऑल दी एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या कप्लीकेशन हैं क्यों सिग्निफिकेंट है नैनो टेक्नोलॉजी एंड क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं नैनो पार्टिकल्स के दैट मेक्स द नैनो टेक्नोलॉजी सो सिग्निफिकेंट दैट वी सींग इन आवर सेकेंड आर्टिकल द थर्ड वन इज रिलेटेड टू दार्लिमेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज So, यहां पर बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या हैं, उनमें स्टैंडिंग कमिटीज कौन से कौन से हैं स्टैंडिंग कमेटीज की क्या सिग्निफिकेंस हैं क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या वे फॉरवर्ड्स है दैट वुड बी सींग इन आवर थर्ड आर्टिकल द फोर्थ वन इज रिगार्ड्स विद द अमर फैलकन बर्ड यहां पर बात करेंगे अमर फैल्कन के बारे में क्या है अमर फैल्कन क्यों इतना सिग्निफिकेंस है इनके क्यों इतना फेमस है ये बर्ड एज वेल एज नागालैंड से क्या रिलेशन है अमर फैलकन्स का एंड ओवर ऑवर द ग्लोब हम लोगों ने क्या क्या मेशर्स लिए हैं टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम टू स्ट्रेंथन दायोडावर्सिटी विद रेस्पेक्ट टू द दमर फैल्कन दैट बी फोर्थ आर्टिकल द फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी नाउ सिंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो यहां पर डिटेल में बात करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी क्या है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है क्या क्या मेशर्स लेते हैं कैसे मेशर्स लेते हैं कैसे डिसीजन लेते हैं एंड वॉट आर दॉप current targets that we are seeing in our fifth article and as usual the sixth one is in the quiz of the day so let us start with the first one that is on the air pollution scenario in new delhi now as of now the air pollution scenario in new delhi is very worse or is worseness current is extreme point of air pollution go signify to justify currently we need to understand the culprits and that because of its contentious nature we have already covered this topic in great details in our ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर वीडियो जहां पर हर एक मेजर कल्प्रिट हर एक मेजर रीजन कैसे एनहेंस करता है एयर पोल्यूशन को दिल्ली में दैट वी हैव टॉक एज वेल एज क्या क्या मेशर्स लिए गए हैं इन द इंडियन लेवल इन द नेशनल लेवल एंड द डेल्ही लेवल दैट वी हैव टॉक इन आवर ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर वीडियो सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू हैव एन क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक विद दैट लेट्स मोर टूर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द इन्वेंशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू एन फंगस मशरूम अब यहां पर जो नैनो पार्टिकल सिंथिसाइज किए जा रहे हैं वहां पर वी हैव यूज पर्टिकुलरली ए फंगस मशरूम बट दी होल एस्पेक्ट द बेसिक ऑफ दिस न्यूज इज रिलेटेड टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड सिंस वी आर लुकिंग फॉर यूपीएससी सो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे क्या क्या है एप्लीकेबिलिटी बट बिफोर गोइंग टू द एप्लीकेबिलिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन क्यों नैनो पार्टिकल्स इतने ज्यादा एप्लीकेशन इतने ज्यादा सिनारियोज में एप्लीकेबल हैं इस रीजन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स The first question: How small is nano? So, if we talk about nano scale, if we talk about units, ki baat karein, so the prefix nano means one billionth or 10 to the power minus 9th of a an meter, and that is known as nanometer. If we talk why is nanometer or nano scale so special, so there are various reasons to it. The first reason here is that the scale at which quantum effect dominates. Now, there is a specific क्वांटम इफेक्ट that कम्स into play प्ले a particular पर्टिकुलर साइज रेंज एंड range रेंज इज nano नैनो साइज और क्योंकि नैनो साइज में कोई पार्टिकल जब होता है उनमें क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं इसके कारण वी हैव एनहेंस्ड ट्यूनेबिलिटी वी कैन ट्विक द प्रॉपर्टीज वी कैन ट्विक दी साइज एंड ट्वीक द प्रॉपर्टीज और इस बेसिस पर हम लोग जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी द कंडक्टिविटी Fluorescence as well as the optical properties that we can tweak, and that effect is known as quantum effect. Or is quantum effect the current which enhances tunability? Hai, that is increasing the applicability, and that is making the nano so special. The second reason here is that this is a scale at which the surface behavior plays a larger role. क्यों बिकॉज अगर नैनोमीटर्स की बात करें नैनो पार्टिकल्स की बात करें सो इन दो पार्टिकल्स वी हैव लार्जर सर्फिस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देन बल्क मटीरियल टू अंडरस्टैंड दिस एट्स डिपिक्शन अगर हम डिपिक करें क्यूब्स की सो so अगर नॉर्मल क्यूब की कंसिडर करें जहां पर जो डायमेंशन है दैट इज ऑफ वन सेंटीमीटर देन द टोटल सर्फेस एरिया वुड बी ऑफ सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर बट अगर उस सेम क्यूब को अगर हम लोग रिप्लेस कर लें बाय माइन्यूट क्यूब्स जिसमें हर एक क्यूब की जो डायमेंशन हैं वो वन मिलीमीटर रहें देन सरफेस एरिया एनहेंसेज द सर्फेस एरिया मल्टीप्लाइज टेन टाइम्स एंड जो इक्वलन सर्फेस एरिया होगा दैट वुड बी ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर

That is इज second रीजन द थर्ड रीजन हियर इज दैट इट इज अ स्केल एट विच मच biology occurs. जितने भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं द सिग्निफिकेंट फॉर एग्जांपल, जो हेमोग्लोबिन है दैट इज इन द रेंज ऑफ 5.5 नैनोमीटर्स। द पिक्चर ऑफ दिस इज शोन हियर और एज वेल एज जो एन है डी इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ और क्योंकि मच ऑफ दिस बायोलॉजी इज इन नाइनोमीटर्स दैट इज फाइ द नाइनो इज सो सिग्निफिकेंट विद दैट अब देखते हैं क्या क्या है एप्लीकेशन नैनो पार्टिकल्स के एज वेल एज नैनो टेक्नोलॉजी के सो द बिगेस्ट एप्लीकेशन हियर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और द आई टी एप्लीकेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो जो फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन्स हैं फोल्डेबल टीवी हैं ऑल दीज आर रिजल्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ कंप्यूटर्स में वी हैव समथिंग नॉन एज मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण वी आर नाउ हैविंग बूटिंग इंस्टेंटली इंस्टेंट जो बूटिंग करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एम आर ए एम एंड एम आर ए एम इज अ रिजल्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी अब लोग बात करें मेडिकल एंड हेल्थ केयर एप्लीकेशन की देन फॉर बेटर इमेजिंग टेक्निक्स बेटर स्कैनिंग टेक्निक्स डायग्नोस्टिक टूल्स एज वेल एज जो कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स हैं वहां पर भी ड्रग डिलीवरी में भी वी हैव दूस ऑफ नैनो पार्टिकल्स अगर बात करें एनर्जी अप्लीकेशन की सो इन मोस्ट ऑफ द फ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंक्रीज द देंसी वी यूज नैनो टेक्नोलॉजी अगर बात करें एनवायरमेंटल रेमिडिएशन की देन टू हैव एनहैंस प्योरिटी टू रिमूव द वाटर इंप्योरिटीज इन एन कॉस्ट इफेक्टिव एंड एन एंड एफिशियंट मैनर वी यूज़ नैनो टेक्नोलॉजी अगर बात करें ट्रांसपोर्ट टेस्ट की तो वहाँ पर भी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर एक्जाम्पल जो फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं जहां पर स्मार्ट कार्स होंगे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे स्मार्ट रोड्स होंगे उन जैसे एप्लीकेशंस के उन जैसे फ्यूचर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए वी नीड नैनो स्केल सेंसर्स एंड नैनो स्केल सेंसर्स द बेसिक एस्पेक्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी सो नैनो टेक्नोलॉजी इज दैट्स वाई वेरी एम्बिग्यस इन नेचर इट्स वेरी वाइड इन नेचर और इज वाइड एम्बिग्यूस एंड ट्यूनेबल एप्लीकेशंस के कारण इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन नेचर विद दैट नॉ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज So, यहां पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं सो वाट आर दिस कमिटीज सो पार्लियामेंट के काम को एनहेंस करने के लिए सब्सटैंशिएट करने के लिए हेल्प करने के लिए वी हैव सम कमिटीज नॉन एज पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्लियामेंट्री कमिटीज बेसिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बाइफर्केट कर सकते हैं इन टू कैटेगरीज द वन सेक्शन ऑफ द कमिटीज आर परमानेंट कमिटीज जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज और दूसरा सेक्शन इज द टेम्प्रेरी कमिटीज जिसे हम लोग कहते हैं एडहॉक कमिटीज अगर हम लोग स्टैंडिंग कमिटीज की बात करें देर आर फर्दर बाश फॉर एग्जाम्पल वे आर हैविंग द फाइनेंशियल कमिटीज वे आर हैविंग द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो कि 24 फोर है नंबर्स में वी आर हैविंग कमिटीज टू एंक्वायर कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल एंड वेरियस अदर कमिटीज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दम इज द फाइनेंशियल कमिटीज और फाइनेंशियल कमिटीज के अंदर भी वी आर हैविंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटीज इन इंडिया लेवल दैट इज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स Similarly, ad hoc committees can there be further bifurcations? Hai. We are having the inquiry committee and advisory committees. Now, let's see what is the significance. What is the significance? So, the biggest significance here is that it provides a check on the government. Because we are sending the bills for better scrutiny. So, it is increasing the accountability of the government. It is having an enhanced checking layer on the bills that the government passes. So, it is increasing the checks on the government. क्योंकि यहां पर वी आर हैविंग एन एडिशनल लेयर वी आर स्क्रूटिनाइजिंग द बिल सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिटेल स्क्रूटनी एंड डिटेल स्क्रूटनी इज एनहेंसिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इसके साथ साथ इट ऑल्सो एक्ट एज एन मिनी पार्लियामेंट क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं इन कमेटी के दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट सेल्फ सो दे एक्ट एज मिनी पार्लियामेंट इट्सल्फ नाउ लेट्स सी कि क्या क्या इश्यूज हैं जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज फेस करते हैं द बिगेस्ट हियर इज दैट द फ्यूअर बिल्स आर रेफर्ड टू इट डे टू डे अगर हम लोग कंपेयर करें लोकसभा इलेक्शंस की लोकसभा सेशंस के अगर कंपेयर करें तो फोर्टीन एंड फिफ्टीन लोकसभा में विद द नंबर ऑफ द बिल्स द परसेंटेज ऑफ द बिल्स वेर 60 परसेंट एंड 71 परसेंट उसे कंपेयर 16th लोकसभा में सो सिक्सटी लोकसभा में ओनली 27 परसेंटेज ऑफ द बिल्स वेर रेफर टू दिस कमीज सो जो कमिटीज की जो एनहेंस रोल है दैट इज डिग्रेडिंग ऑफ द ईयर्स सेकेंड इशू हेयर इज द लो अटेंडेंस यहां पर जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट प्रोएक्टिवली एंगेजिंग और जो अटेंडेंस है 2019-20, दैट दैट वाज 50 इज वेरी बैड इन नेचर और इस लो अटेंडेंस के कारण इस फ्योर नंबर ऑफ द बिल्स जो कि रेफर किए जाते हैं इसके कारण इट इज नेग्लेक्टिंग द मैटर्स ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस इसके साथ साथ देर आर टू मेनी मिनिस्ट्रीज अंडर ए कमिटी और क्योंकि एक कमेटी के अंदर काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज हैं इसके कारण जो वर्क्स हैं दे गेट कॉम्प्लिकेटेड द वर्क्स गेट डिलीड और इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है दो एफिशियंसी डिक्रीज एन इशू इज दैट द नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड बाई मोस्ट पोलिटिकल पार्टीज वेन इट कम्स टू नॉमिनेटिंग द एम पीज टू दीज कमिटीज और क्योंकि नॉर्म्स हम लोग फॉलो नहीं कर करें इसीलिए दीज कमिटीज ऑफन चैंड फ्यूटाइल विद दैट नाउ नाउलेट सी कि क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड फर्स्ट वे फॉरवर्ड हि दैट वी कैन हैव सम सिस्टम विच मेक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एटेंडेंस ऑफ मिनिस्टर्स बिफोर दमिटीज़ मैंडेट्री फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो so वहां पर मिनिस्टर्स आर रिक्वायर टू डिस्पोज बिफोर दिस कमिटीज सिमिलर सिस्टम वी कैन एडॉप्ट अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी की सो वी कैन एनहेज द्रांसपेरेंसी सिमिलर स्टेप्स जो है इनिशिएटिव दूसरे कंट्रीज में भी हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम की बात करें So, वहां पर जो कमिटीज की जो प्रोसीडिंग्स हैं दे आर वीडियो रिकॉर्डेड एज वेल एज अगर हम लोग डेनमार्क की बात करें सो दे एलो फॉर पब्लिक स्पीचेस एंड पब्लिक मीटिंग्स इन दिस कमिटीज और क्योंकि यहां पर पब्लिक मीटिंग्स हो रहे हैं पब्लिक प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो दैट इज इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रहा है दैट इज इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगा दैट वुड बी एनहेंसिंग द गुड गवर्नेंस इन द कंट्री द थर्ड हियर थर्ड वे फॉरवर्ड इज टू हैव ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर हम लोग प्रोएक्टिवली एंगेज करें पार्टिसिपेंट्स को प्रोएक्टिवली एंगेज करें पब्लिक को अटेंडेंस बरकरार रखें मिनिस्टर्स को लाए देन इट वुड बी इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी और जब इंक्रीज होगा ट्रांसपेरेंसी दैट वुड बी इंक्रीजिंग द पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑल्सो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑल्सो द लास्ट वेव फॉरवर्ड इज टू हैव एन ओवरसाइज कमिटी क्योंकि जो कमिटीज so के जो वर्क्स हैं दे हैव डिटोरिएटेड ओवर द इयर्स, सो इन कमिटीज के वर्क्स को देखने के लिए वी कैन हैव एन ओवर साइड कमिटी जो कि इनके एफिशिएंसी को मेक श्योर sure करेगा एसेस करेगा एंड दैट कमेटी इज नीडेड टू एनहैंस द एफिशिएंसी ऑफ दीज कमिटीज विद डैट ना लेट मूट आ नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ अमर फैल्कन्स सो यहां पर देर आर टू रिलेटेड एस्पेक्ट्स द फर्स्ट वन इज द अमर फैल्कन्स एंड द सेकेंड वन इज द तो इमोंग बर्ड काउंट लेट्सटार्ट विद अमर फैल्कन्स क्यों अमर फैल्कन्स इतना रिलेटेड है इतना सिग्निफिकेंट है एंड कैसे नागालैंड इज रिलेटेड टू अमर फैल्कन्स वो देखते हैं लेट्स स्टार्ट विदिक्स सो वाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस बर्ड द साइंटिफिक नेम ऑफ द बर्ड इज फैल्को अमोरिन एंड इसकी जो कैपिटल है वर्ल्ड कैपिटल कैसे कहलाते हैं नागालैंड कहलाते हैं वर्ल्ड कैपिटल क्यों बिकॉज अराउंड वन मिलियन अमर फैल्कन्स रूज इन नागालैंड नागालैंड में वी हैव एन प्लेस नॉन एज दोयांग लेक और दोयांग लेक में पर्टिकुलरली इट्स एन स्टॉप ओवर फॉर दी अमूल फैल्कन जो कि माइग्रेट करते हैं एवरी ईयर नाउ वाई इज दिस बर्ड वेरी फेमस बिकॉज दिस इज दर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रैप्टर्स अगर हम लोग जर्नी की बात करें सो दे स्टार्ट देर जर्नी फ्रॉम साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्थन चाइना और वहां से इंडिया होकर पर्टिकुलरली नागालैंड होकर दे गो टू दी इंडियन ओशन एंड देर दे गो टू दी सदर्न अफ्रीका एंड सदर्न अफ्रीका से दे अगेन कम बैक टू मंगोलिया सो देट इज़ दे रूट दे हैव एवरी ईयर और इस रूट के कारण दे मेक दम सेल्व दर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रैप्ट अगर मैप में समझना चाहें सो दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम द नॉर्दर्न चाइना साउथ ईस्टर्न साइबीरिया एंड फ्रॉम देयर दे गो टू दी साउथ अफ्रीका थ्रू इंडिया पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्ट इंडिया नागालैंड एंड अदर एरियाज और यहाँ से टच करके वो साउथ अफ्रीका में जाते हैं एंड साउथ अफ्रीका से वो रिटर्न होते हैं हर साल सो दिस रूट मेक्स द रूट लॉन्गेस्ट इन नेचर अगर माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करें एंड दैट इज वाई दिस स्पीसीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर बात करें द नेम ऑफ दिस बर्ड दैट इज़ अमूर फैल्कन सो दिस नेम अमूर इज कमिंग फ्राम एन रिवर नॉन एज अमूर रिवर जो कि रशिया और चाइना के बॉर्डर में फ्लो करता है उट दिस स्टेटस ऑफ दिस बर्ड अगर हम लोग आयुसियन स्टैटस की बात करें सो इन स्टैटस दिस बर्ड इज ऑफ लीस्ट कंसर्न बट इसके बावजूद भी दिस बर्ड इज इंक्लूडेड इन दिस्ट ऑफ प्रोडक्टेड लिस्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवन टू इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो देर इन दी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीटरी स्पीसी का मैंडेटरी सिग्निफिक दैट We are signatory of that species and this convention. Or is convention ko obligate karnically is convention ko assess is convention ko fulfill kernically? We have several protective measures that the government of India has taken. With that, now let's move to our next aspect. That is with respect to the Tohu Imong bird count. सो दी एक्सरसाइज बोर्ड काउंट इज वेरी एविडेंट यहाँ पर जो बर्ड काउंट है इट्स एन एक्सरसाइज जहां पर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं बर्ड्स को उन्हें काउंट करते हैं ताकि उनके बायोडाइवर्सिटी को समझ पाएं उनके नंबर्स को एसेस कर पाएं बट दर्ड ंग इज अ नेम ऑफ एन फेस्टिवल एक फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है November, November, और क्योंकि इस साल तो फेस्टिवल के साथ साथ ही बर्ड काउंट एक्सरसाइज किया जा रहा है दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज इज नॉन एज तोहू इम काउंट next aspect. That is on the MPC. That is the Monetary Policy Committee. Now, since this monetary policy committee is a very important topic, easily we have talked this topic in great details, decoded this topic in great details in our 13th October video, where this committee how it was formed, who are the members, the composition, how it makes decisions, and as of now, what is the current targeting of the inflation. All these things we have discussed in our 13th October video itself. So please refer to the video so that you have a good clarity of this topic. With that.

एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर एनालिसिस किया दैट वॉल इन द फॉर्म ऑफ पी डी एफ यू गेट अ लिंक इन दी दीडियोज रिजल्यूशन सो आई होप टू डिस एनालिसिस वॉज बेनिफिशियल फॉर यू गायज वी वर्किंग हार्ड फॉर यू गायज बट द सेम टाइम वर्क हार्ड स्टडी हार्ड बट मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टेज से डूइंग द सेम फॉर यू गायज से मारो